हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी स्पॉट पर। मेरा नाम है फैज खान और आज हम डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश, दिस इज 16 पार्ट। इससे पहले मैं 15 वीडियोस और बना चुका हूं, अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम एज यूजुअल कुछ इंटरेस्टिंग idiom एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ और चीजें भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज हार्प ऑन इट। हार्प ऑन इट का क्या मतलब होता है? हार्प ऑन इट का मतलब होता है टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली और रिपीटिंगली इन अ एनोइंग मैनर। यानी किसी बात को, किसी चीज को बार बार बोलना। जब आप किसी बात को बार बार बोलकर सामने वाले को परेशान कर देते हैं, एनोई कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हार्प ऑन इट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी इज ऑलवेज हार्पिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डाइट। यानी वह हमेशा गुड डाइट के बारे में या गुड डाइट की इंपोर्टेंस के बारे में हमेशा हार्प करती रहती, हमेशा उसे रिपीट करती रहती है, उसके बारे में बताती रहती है। यानी उसने इतना ज्यादा बता दिया कि सामने वाले परेशान होने लगे उससे, तो उसने हार्प ऑन इट कर दिया, यानी उसके बारे में रिपीटेडली कई बार बता दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, विशलिंग अ डिफरेंट ट्यून। टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर। किसी चीज के बारे में अपनी ओपिनियन या फिर बिहेवियर को चेंज करने को क्या कहते हैं? विशलिंग अ डिफरेंट ट्यून कहते हैं। टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही नेवर यूज्ड टू सपोर्ट दैट पॉलिटिकल कैंडिडेट बट ही इज विशलिंग अ डिफरेंट ट्यून ऑल ऑफ सडन। यानी वह उस कैंडिडेट को, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट था, उसको वह सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन सडनली वह अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, अपनी ओपिनियन को चेंज कर रहा है उसके बारे में। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ बॉल ऑफ फायर। अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म। कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, बहुत ही ज्यादा इंथुजियास्टिक रहता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी चीज के बारे में कोई बात करने के लिए वह हमेशा इंथुजियास्टिक रहता है या फिर एनर्जी उसके अंदर रहती है उस चीज को करने के लिए। तो उसे आप क्या बोलते हैं? अ बॉल ऑफ फायर बोलते हैं। एग्जाम्पल, शी नोज हाउ टू हैव अ बॉल बाय हरसेल्फ। यानी वह जानती है कि किस तरह से एनर्जेटिक रहा जाता है किसी भी काम के लिए। नेक्स्ट वन, आई ऑन द बॉल। कीप वंस अटेंशन फोकस्ड ऑन दैट मैटर इन हैंड। यानी किसी चीज के बारे में, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं क्लास में पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी काम, आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई चीज समझा रहे हैं, अगर वो उस पर अटेंशन नहीं देता, वहां पर ध्यान नहीं देता, तो आप बोल सकते हैं प्लीज कीप आई ऑन द बॉल। प्लीज कीप आई ऑन द बॉल, राइट। इस तरह से आप बोल सकते हैं, यानी आप फोकस्ड रहिए उस चीज पर, अटेंशन को पे कीजिए, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, राइट। एग्जाम्पल, आई ग्रेजुएटेड इन जस्ट 3 ईयर्स बिकॉज आई वॉज एबल टू कीप माई आई ऑन द बॉल एंड प्रायोरिटाइज माई स्टडीज अबाउ ऑल एल्स। यानी मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको 3 साल में पूरा कर लिया क्योंकि आई वॉज एबल टू कीप माई आई ऑन द बॉल, क्योंकि मैं फोकस्ड था और अपनी जो स्टडी है उसको मैं प्रायोरिटी दे रहा था सभी चीजों के बावजूद भी, राइट। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉप द बॉल। ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है फॉल्टर और मेक मिस्टेक। किसी चीज के बारे में, किसी काम में अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो वहां पर आप इस idiom का यूज कर सकते हैं, ड्रॉप द बॉल। एग्जाम्पल, शी रियली ड्रॉप द बॉल व्हेन शी फॉरगेट टू कॉल बैक। यानी उसने जरूर ही गलती की है कॉल बैक ना करने की वजह से। नेक्स्ट, टू बी ऑन द सेम पेज, टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज के बारे में सेम अंडरस्टैंडिंग होना, सेम ओपिनियन होना, उसे क्या कहते हैं? टू बी ऑन द सेम पेज कहते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस फर्स्ट सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज बिफोर वी स्पीक टू द कस्टमर। यानी वह कह रहा है कि हमें पहले डिस्कस कर लेना चाहिए जिससे कि हमारी सेम अंडरस्टैंडिंग हो कस्टमर को चीजें बताने से पहले। अब देखिए, इसके अलावा हम हैड बेटर का यूज सीखेंगे कि किस प्रकार से आप हैड बेटर को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखिए, हैड बेटर का जो मतलब होता है, जिस प्रकार से ये यूज होता है, इससे एक सेंस निकलता है, करना अधिक अच्छा होगा। जब आप किसी व्यक्ति को कोई एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको ये काम करना अच्छा रहेगा, आपको वहां जाना अच्छा रहेगा, आपको उससे यह पूछना अच्छा रहेगा, आपको यह पढ़ाई करना अच्छा रहेगा, तो किसी भी चीज के बारे में जब आप कोई एडवाइस देते हैं कि आपको ये काम करना अच्छा रहेगा, तो उस टाइम पर आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए, एग्जांपल के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं। यू हैड बेटर लीव नाउ, तुम्हारा अब निकलना ज्यादा ठीक रहेगा या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। आपको हैड बेटर लगाना है, सबसे पहले आप यू तो लगाएंगे ही अगर आप किसी व्यक्ति को कोई एडवाइस दे रहे हैं, राइट। तो आपने यू लगाया, उसके बाद हैड बेटर, उसके बाद लीव नाउ, तुम्हारा अब निकलना अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट, यू हैड बेटर रिंग हिम, तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा या फिर अच्छा रहेगा, राइट। इस तरह से आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर नाउ, तुम्हारा अब यहां से जाना ज्यादा ठीक रहेगा या फिर यहां से जाना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यू हैड बेटर मेमोराइज दीज रूल्स, आपको यह रूल्स याद करने अच्छे रहेंगे या फिर तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट, यू हैड बेटर टेक डॉक्टर्स एडवाइस, तुम्हारा डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा ठीक रहेगा। आप सिर्फ हैड बेटर लगाएंगे, राइट, और उसके बाद आप जो भी चीज बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यू हैड बेटर टेक हिज परमिशन, आपको उसकी परमिशन लेना ज्यादा ठीक रहेगा या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, यू हैड बेटर नॉट मेक दिस इन्वेस्टमेंट, आपको ये इन्वेस्टमेंट ना करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप निगेटिव बोलना चाहते हैं तो आप निगेटिव भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा आपको बेटर के बाद नोट लिखना है, हैड के बाद नोट नहीं लिखना है, बेटर के बाद नोट लिखना है, राइट। यू हैड बेटर नॉट मेक दिस इन्वेस्टमेंट, आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना ज्यादा ठीक रहेगा या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर नॉट टेल हिम, उसको यह नहीं बताना ज्यादा ठीक रहेगा, राइट। कई बार क्या होता है, कोई बात इस प्रकार की हो जाती है कि किसी व्यक्ति को बताना अच्छा नहीं रहता, तो आप उस कंडीशन में इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, यू हैड बेटर नॉट टेल हिम दिस, यानी उसको यह नहीं बताना ज्यादा ठीक रहेगा या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखे, यू हैड बेस्ट डू सम रीडिंग एवरी डे, अब यहां पर जो बेस्ट के द्वारा सेंस निकाला जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको डेली बेसिस पर रीड करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बेटर नहीं हो रहा है यहां पर, अब बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, यानी आपको डेली बेसिस पर रीड करना। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो अभी तक मैंने वीडियोज बनाए हैं 15 वीडियोज, आप उन सभी वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।